हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। दिव्य शक्तिपीठ पर सुबह 8 बजे से लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया था। सफेद कपड़े पहनकर सर पर तिरंगे के केसरिया, सफेद, हरी और नीले रंग की टोपी लगाकर लोग जमीन पर बने भारत के नक्शे पर अपने अपने स्थान पर खड़े होने लगे थे। देश के सबसे स्वच्छ शहर में जब मानव श्रृंखला के जरिए भारत का नक्शा बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास हो रहा है तो उसका आधार हमारे अपने सफाईकर्मी ही बन सकते हैं, इसलिए इस नक्शे की रूपरेखा बाउंड्री बनाई शहर के सफाईकर्मियों ने। पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जरूरत थी 3000 लोगों के साथ मिलकर नक्शा बनाने की, पर जोश इतना था कि इस खास आयोजन के लिए शहर के विभिन्न सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाएं, NGO और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ ही आर्मी के जवान और ऑफिसर्स को मिलाकर दिव्य शक्तिपीठ पर 8,335 लोग जमा हो गए। आयोजन स्थल पर लाइव बैंड देशभक्ति के जोश से भरे तराने गा रहा था और इस जोशीले माहौल के बीच वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव को शहर के लिए यादगार बनाने तथा लोगों को तिरंगे का महत्व समझाने के लिए ज्वाला महिला समिति द्वारा किए गए इस प्रयास को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड UK में दर्ज किया गया। इस मौके पर ज्वाला के संस्थापक डॉक्टर दिव्या गुप्ता, सांसद शंकर लालवानी, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, BJP के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे के साथ आर्मी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल अनंत नारायण ने झंडावंदन किया और इस अवसर पर मौजूद हजारों लोगों ने राष्ट्रगान गाया। आयोजन में रवि अचरोलिया ने झंडा संहिता के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर ओरिएंटल वैष्णव इंस्टीट्यूट, सिम्बोसिस और प्रज्ञा नर्सिंग कॉलेज से भी प्रतिभागी शामिल हुए। साथ ही मध्य प्रदेश NGO महासंघ के 60 संगठन मौजूद थे। फिक्की फ्लो इंदौर चैप्टर और IMO मॉम्स ग्रुप के सदस्यों ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सहभागिता की। सभी प्रतिभागियों को डिजिटल सर्टिफिकेट दिए गए। प्यारी दीदी डॉक्टर दिव्या गुप्ता का सम्मान करना चाहता हूँ। और ये सर्टिफिकेशन है, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ना चाहता, पढ़ के आपको सुना देता हूँ, अंग्रेजी में है। चलिए चलिए, दीदी बोलती है पढ़ने मत पढ़िए। खैर, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से बढ़कर कार्यक्रम है। इतने लोगों को एक कॉज के लिए एक मंच पे लाना मैं समझता अभूतपूर्व है। तो मैं ये दीदी को हैंड ओवर करता हूँ, ज्वाला महिला समिति को हैंड ओवर करता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई है। ये रिकॉर्ड इंदौर ने बनाया है, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। पूरे इंदौर को डेडिकेटेड है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप सबको बहुत बहुत बधाई, एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। वंदे वंदे वंदे। अब मैं आमंत्रित करूंगी जनरल साहब को। अरे शक्र भैया, इंदौर ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड इतिहास रच दिया है।
और इंदौर इतिहास रचने में माहिर है, जानता है अपनी शक्ति को। आज इस इतिहास के ऐतिहासिक क्षणों में आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम सबको गर्व है कि हमने अपना एक छोटा सा योगदान इस महायज्ञ में दिया है। इस तरह का रिकॉर्ड है कि भारत के मानचित्र पर अभी तक सिर्फ मानव श्रृंखला बाहर बाउंड्री पर खड़ी होती थी, ये तिरंगा अंदर भी बन रहा है। और सबसे ऐतिहासिक बात यह है कि इस बाउंड्री पर महिला स्त्री शक्ति खड़ी है और अब स्त्री शक्ति भारत की ताकत है। इस ताकत को पहचान पीठ यहाँ पर मंदिर है और साथ में आज भारत के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, तो किस तरह से देशभक्ति और धार्मिक भक्ति को एक साथ देखती है? देशभक्ति और धार्मिक भक्ति एक ही साथ मिली हुई है, जो धर्म का पालन करता है वो देशभक्ति का पालन करता है। के लिए सम्मान की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पूरे देश का आह्वान किया कि इस बार हर घर तिरंगा अभियान के द्वारा हम सब देश के सम्मान के प्रति एकजुट हो। आज उसी संदर्भ में यहाँ इंदौर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ कि उसका हिस्सा बनने का अवसर मुझे मिला। हमारी डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी के नेतृत्व में आज सारी बहनें यहाँ एकत्रित हुई है। हर व्यक्ति के दिल में राष्ट्र प्रेम का जज्बा है और यही जज्बा 365 दिन हम सबके मन मस्तिष्क में रहे, यही शुभकामना पूरे प्रदेशवासियों को, देश के लोगों को मैं कहना चाहूंगी। हम सब देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाएं। जय हिंद, जय भारत।